अभी जो नया वाला ये इंस्टॉल करूँगा जो ब्रेक पैड, तो ये वाला जो गैप है वो थोड़ा कम हो जाएगा। तो मैंने ये ब्रेक पैड इंस्टॉल कर लिया, लेकिन एक प्रॉब्लम हो गया। एकदम इजी है, यहाँ ऐसे लगाओ। तो ये देखो, ये मेरा निसिन ब्रांड का देखो ओरिजिनल ब्रेक पैड जो मैंने लगभग 872 रुपये में इंस्टॉल किया था। और ये देखो, ये निका विका, अभी देखते हैं कि ये फिट आता है कि नहीं। अच्छा, ये वाला खोला। एक चीज़ ध्यान में रखना कि देखो, ये जो ABS सेंसर वाला है, ABS सेंसर को पहले तुम डिटैच करो यहाँ से, ठीक है। हेलो एंड वेलकम टू बाइक लवर आहिल, मैं हूँ आहिल और आप देख रहे हो बाइक लवर आहिल। तो आज सीधे एकदम मुद्दे की तरफ आते हैं कि देखो, मैंने एक ब्रेक पैड ऑर्डर किया था, ये देखो ऑनलाइन से ऑर्डर किया था, जो कि निका विका D30H है, जो इसका MRP प्राइस दिखा रहा है 536 यहाँ पे ब्रांडिंग। लेकिन अभी के टाइम पे अमेजोन पे मिल रहा है 180 रुपये मुझे पड़ा। और मैं ये ब्रेक पैड, वैसे तो इसको अगर तुम सर्विस सेंटर से चेंज करो तो लगभग 850 रुपये ब्रेक पैड का लेगा, और लेबर चार्ज शायद 200-250 रुपये लेगा, तो एक्स्ट्रा लगभग 1000-1200 रुपये पड़ ही जाएगा। और अगर तुम्हारा ऐसा होता है कि घर से 30-40 किलोमीटर दूर है, तो वहाँ से लगभग और भी पैसा जोड़ लो, तो लगभग इसे चेंज करने में तुम्हारा 1000-1500 रुपये चल जाएगा। वैसे अभी मैं चाहता था कि ये जो निका विका DP38 सेट है, ये सेट जो कि 180 रुपये में मिल रहा है, ये ब्रेक पैड कैसा है इसको मैं एक बार मतलब कि टेस्ट करना चाहता था। वैसे ये जो छोटे मोटे काम होता है, जैसे कि ब्रेक पैड, ये सब एयर फिल्टर, ये सब वगैरह, ये मैं खुद ही कर लेता हूँ, वैसे छोटा सा जानकारी रखता हूँ कम। तो देखो, ब्रेक पैड चेंज करने के लिए बस तुम्हें ये दो टूल्स का ज़रूरत है, एक एलन की और एक ये वाला टूल्स, ठीक है। तो देखो, पहले तुम्हें ये वाला जो टूल्स है, मैं दिखा देता हूँ, पहले तुम्हें ये वाला लूज़ करना है। वैसे मैं लूज़ करके रखा, ये देखो ऐसे तुम्हें लूज़ करना है, ठीक है। इसको पूरा लूज़ करो, लूज़ करने के बाद ये अगर जैसे लूज़ हो जाए, उसके बाद तुम्हें ये वाला टूल्स यूज़ करना है। हाय हाय, मैं बस इसको लूज़ करके रखा था, और इसको खोलो। तो खोल ही लगभग हो चुका है। और एक दो चीज़ याद रखना है, मैं दिखा देता हूँ। अच्छा, एक हाथ में फ़ोन पकड़ के रखा हूँ ना, नहीं तो। अच्छा, ये वाला खोला। एक चीज़ ध्यान में रखना कि देखो, ये जो ABS सेंसर वाला है, ABS सेंसर को पहले तुम डिटैच करो यहाँ से, ठीक है। इसको थोड़ा ऊपर करो और यहाँ से देखो, ABS सेंसर वाला ये हो गया ना। अब इसको खोलो, तो मैं थोड़ा ये फास्ट फॉर्मेट में आपको दिखा दूँगा, ठीक है। तो कैमरा रखने के लिए तो कोई जगह नहीं, ये मैं रख के मैं खोल कर दिखाता हूँ, ठीक है। तो अभी देखो, मैंने दो बोल्ट खोल चुका हूँ, और ये जो पैकेट है इसको मैं खोल के पहले दिखाता हूँ। कैमरा यहाँ पर रखता हूँ नीचे, ये मैंने अभी तक फाड़ा नहीं। तो ये देखो, मैं दिखा देता हूँ, ये देखो, ये जो मैंने ब्रेक पैड ऑर्डर किया, ये सेम साइज का आता है, जो कि हाइनेस का और CB350RS का जो सेम साइज में आता है। वैसे CB300F नहीं लिखा था ब्रेक पैड जब खरीदते टाइम, नहीं लिखा था, ठीक है, लेकिन साइज सेम ही है। तो इसको मैंने खोला, और ये देखो, ये ऐसे डिटैच हो जाएगा, ठीक है। और एक चीज़ ध्यान रखने वाली बात है कि देखो, तुम ऐसे करो ना, अभी देखो ब्रेक पैड ये वाला इस साइड निकालो तो ये वाला ब्रेक पैड आ जाएगा, लेकिन गलती से भी किसी को ये वाला नहीं दबाना, ब्रेक लीवर नहीं दबाना चाहिए, ठीक है। और ये जो अभी गैप है देख रहे हो, ये गैप कभी कभी, अभी जो नया वाला ये इंस्टॉल करूँगा जो ब्रेक पैड, तो ये वाला जो गैप है वो थोड़ा कम हो जाएगा। तो इसको बैक प्रेशर, मतलब कि इसको, ये जो गैप है, ये गैप तुमको बढ़ाना पड़ेगा। तो इसको बढ़ाने के टाइम पे लोकल मैकेनिक जो करते हैं, वो क्या करते हैं, वो करते हैं कि देखो, वो गैप ये करने के लिए, ये जो ये बोल्ट है ना, ये बोल्ट लूज़ कर देते हैं, और यहाँ से ऑयल लीकेज करते हैं। और मैं जानकारी के लिए एक बात बता दूँ कि इसके अंदर जो ऑयल होता है वो बहुत, मतलब कि बहुत, एक ऐसा वाला लिक्विड है कि जहाँ भी गिर जाएगा फ़ोन के ये इसके अंदर बॉडी पे या फिर कहीं पे भी, उसका पेंट निकाल देगा, ठीक है। तो इसको कभी खोलने का नहीं, ठीक है। तो तुमको बस क्या करना है, तुम जब ये इंस्टॉल करो ना, ये इंस्टॉल करने के बाद ये जो गैप ज़्यादा करना पड़ेगा, तो तुमको स्क्रू ड्राइवर से इस गैप को थोड़ा ऐसे धीरे धीरे करके इस गैप को थोड़ा बढ़ाना है, ठीक है। तो ऐसे तुम्हें ये ब्रेक पैड
इंस्टॉल करना है, ये देखो ये ब्रेक पैड। तो देखो 180 रुपये का जो मतलब कि ब्रेक पैड है, इसको मैं आज ट्राई करने वाला हूँ। वैसे मैं चेंज कर लेता हूँ फटाफट, वैसे फ़ोन तो कैमरा कोई होता तो पकड़ा देता। तो खोलने के लिए अभी देखो कोई प्रॉब्लम नहीं, ये जो इसको बाहर निकालो और ये फटाक से बाहर आ जाएगा। ये देखो ये वाला लूज़ हो गया, इसको निकालो तो ही बाहर जाएगा। ठीक है, मैं चेंज करके फिर शूट करता हूँ। तो ये देखो, ये मेरा निसिन ब्रांड का देखो ओरिजिनल ब्रेक पैड, जो मैंने लगभग 872 रुपये में इंस्टॉल किया था। और ये देखो ये निका विका, अभी देखते हैं कि ये फिट आता है कि नहीं। वैसे इसका साइज़ में देखूँ तो ये है, और ये देखो पूरा एकदम सेम साइज़ में आता है, सेम साइज़ में आता है। ठीक है, इसको सेम साइज में आता है। और इसको इंस्टॉल करने के लिए ये देखो, अरे कैमरा कैसे पकड़ो, ऐसे देखते हैं भाई, GoPro तो लगेगा। पहले इसको तुम्हें लगाना पड़ेगा, ये वाले को। एकदम इजी है, यहाँ ऐसे लगाओ, ऐसे यहाँ पे लगाओ, ऐसे देखो ये पिन अंदर करो, और मैं ये पकड़ के रखा हूँ ना कैमरा, ये देखो ऐसे करना है, और दूसरा वाला भी ऐसे करना है। ठीक है, रुको, मैं एक कैमरा घुटने पे रख के, थोड़ा मुश्किल हो रहा है कैमरे को रखते हैं इंस्टॉल करने के बाद। तो अभी देखो मैंने ये ब्रेक पैड इंस्टॉल कर लिया, लेकिन एक प्रॉब्लम हो गया कि देखो बाइक मेरा उस साइड टिल्ट हुआ था, और मैंने इतना देखो नया ब्रेक पैड के साथ ये जो पूरा ये था ब्रेक पैड के इंस्टॉल करने के बाद, ये जब गैप किया, ये गैप करने के लिए स्क्रू ड्राइवर घुसा के थोड़ा घुमाया, तो ये धीरे 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 इस साइड पे आया। और अगर ये बैक साइड जा रहा है ना, तो इसके अंदर जितना भी ऑयल है, जो ब्रेक ऑयल है, वो ब्रेक ऑयल पूरा रिवर्स जा रहा है। अभी रिवर्स जाने के टाइम ये बॉक्स देखो, मेरा यहाँ से थोड़ा सा ही ऑयल लीकेज हुआ। ठीक है, वो मैं देख रहा था क्यों लीकेज हुआ। देखो बाइक थोड़ा इस साइड पर टिल्ट हुआ था, तो थोड़ा इस साइड पर मतलब कि ये है साइड ढालान है, तो इसलिए यहाँ से थोड़ा ब्रेक ऑयल लीक किया। ठीक है, तो इसको कभी खोलना नहीं, तो ये तुम मेक श्योर करो कि गाड़ी सीधा स्ट्रेट रहे। वैसे मैं वहाँ पे स्टैंड के नीचे एक पत्थर देके सीधा किया। ठीक है, और यहाँ पे पूरा बैक प्रेशर देके ये कर दिया। अभी देखो ये इंस्टॉल कर दूंगा, बोल्ट टाइट कर दूंगा, हो जाएगा। ठीक है, तो उसके बाद बाइक चलाएंगे, देखेंगे कि कैसा रिजल्ट आता है ब्रेक का, फिर आपको बताएंगे। ठीक है, तो अभी मैं देखो आ चुका हूँ एक इंडियन वेल के फ्यूल पंप पे, थोड़ा सा ब्रेक टेस्ट करने के लिए। वैसे मैं सॉरी हेलमेट नहीं लाया, बस कच्चे रास्ते से ऊपर ही आया, और अभी यहाँ से निकल जाऊँगा। तो 2 किलोमीटर ही आया यार, तो उसके लिए भी सॉरी, हेलमेट नहीं लेकर आया। लेकिन फिर भी मैं चाहता था कि मैं थोड़ा एक बार ब्रेक भी टेस्ट करके देख लूँ कि ऐसा फील हो रहा है। तो देखो दो चीज़ों पे ध्यान रखना, मुझे जैसा लगा कि ये जब ब्रेक प्रेशर किया ना, रिवर्स ये किया, जो मतलब कि वो ये जो गैप था, उस गैप को अगर बड़ा करने के टाइम पे, ये देखो ये मेरा ब्रेक वेल, मतलब कि कितना बताओ, एक छोटा क्या कहते हैं उसको, एक ड्रॉप ऑयल निकला था, क्योंकि बाइक थोड़ा टिल्ट होके रखा था। तो वो तुम मेक श्योर करो। और देखो ये जो बोल्ट है ना, इसको एकदम हार्डली वाला टाइट मत करो, एकदम बहुत ज़्यादा टाइट मत करो, टाइट करो ऐसा नहीं, लेकिन बाद में ऐसा होगा कि बहुत ज़्यादा टाइट करने के बाद भी ये सब थ्रेड व्रेड सब टूट जाएगा, वैसे टाइट मत करो। और मैं देखा कि जो ओरिजिनल वाला जो मतलब कि ब्रेक पैड था ना, अभी नया वाला ब्रेक पैड है, तो काफ़ी अच्छा इम्प्रूवमेंट हो रहा है। तो ब्रेक कर रहा हूँ तो एकदम तुरंत लग जा रहा है, लेकिन पिछला वाला जो ब्रेक था उसमें थोड़ा ABS जो ग्लाइड कर रहा था, कि अच्छा ब्रेक नहीं हो रहा, ग्रिप अच्छा पकड़ नहीं रहा था। अभी शायद नया होने के टाइम इतना अच्छा प्रोवाइड कर रहा है, लेकिन मुझे ओरिजिनल से थोड़ा मतलब कि 10% ज़्यादा ही ब्रेकिंग अच्छा लग रहा है। ठीक है, और सबसे और एक चीज़ देखो, ये सब कुछ भी मत छेड़छाड़ नहीं करना। ब्रेक पैड तो चेंज कर लिया, अभी देखो ये छोटे मोटे काम तो तुम्हें करना पड़ेगा। बाकी यही था एक छोटा सा वीडियो, बाकी मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सब अच्छे रहना, खुश रहना। और मेरा ओपिनियन में हाई स्पीड में ब्रेकिंग करके कैसा फील आ रहा है वो भी बताऊंगा, अभी तो इसी टाइम के लिए तो ब्रेक अच्छा ही काम कर रहा है। ठीक, चलो बाय बाय।
और कुछ जानना है तो कमेंट करो मुझे, ठीक है, थैंक यू।